अंदर बना रखी है पार्किंग। आधी बीमारी तो ये लंबी लाइन देख के ही सही हो जाती है। तो अभी दो गुलाब जामुन पीलते हैं फटाफट। ये वही रोड है जहाँ सुबह मैं जा रहा था और इतना लंबा जाम लगा था। बवंडर मचा हुआ है, समय खत्म है सब भाई सब। यहाँ से आवाज आ रही है वो on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull up. ये है हॉस्पिटल की पार्किंग। ये है गौतम बुद्ध नगर का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल और यहाँ गुप्त पार्किंग है। इधर कोने में अंधेरे में repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. आधी बीमारी तो ये लंबी लाइन देख के सही हो जाती है भाई। भाई भीड़ को देखते हुए मैंने तो सिर्फ रैपिड टेस्ट कराया है, माना का ऐसे ही सही हो जाएंगे घर जाके। कोविड निगेटिव आ गया बस बहुत है। मैं जा रहा हूँ इस गुप्त अंधेरे में, साला 3 फ्लोर नीचे, इतने नीचे पार्किंग है भाई। ये रही अपनी बाइक, पहले निकालते हेलमेट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे, मौज कर रहे होंगे। तो भाई हॉस्पिटल के बहुत बुरे हाल है। जिस हॉस्पिटल जाता हूँ मेरे को पता नहीं क्यों बुरा ही लगता है। तो अभी सरकारी हॉस्पिटल गया था गौतम बुद्ध नगर के, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये यहाँ का, इस एरिया का। और डॉक्टर एकदम टट्टी, बैठ के गुटखा चबाते रहेंगे लेकिन काम नहीं करना चाहते भाई। अपना 1.5 घंटे में तो रैपिड टेस्ट हुआ है। फिर डॉक्टर के पास गया, भाई यहाँ नहीं आना था, कहीं और जाओ। मैंने कहा मैं जा ही रहा हूँ, मैं आ ही नहीं रहा, छोड़ो। तो मैं आ गया। अभी फिलहाल थोड़ा सा पानी वानी पीते हैं, प्यास लग रही है बहुत तेज। तो अभी 2 गुलाब जामुन पीलते हैं फटाफट और फिर पानी पीते हैं। और बाहर कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है किसी मंदिर वंदिर पे, कुछ उठाने उठाने का काम हो रहा है। चल कलश यात्रा वगैरह यहाँ से शुरू होने वाली है। अगर दिखता है तो मैं दिखाता हूँ आपको, नहीं दिखता तो कोई बात नहीं। ये वही रोड है जहाँ सुबह मैं जा रहा था और इतना लंबा जाम लगा था, 1.5-2 घंटे में निकल पाया था भाई, 1.5-2 घंटे। ये इधर इधर की साइड भी जाम लगा हुआ था पूरा, उधर भी। ऐसे कुछ हुआ नहीं था, एक्सीडेंट वगैरह बस ऐसी हैवी व्हीकल, वो ऑफिस टाइम होता है ना सुबह, इस वजह से गाड़ा जाम लग गया था, वरना कोई दिक्कत थी नहीं। आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा रोड पतला हो गया है। और यहाँ से सुबह शाम लोग इतने निकलते हैं, वो आज पता चला भाई कितने निकलते हैं, बहुत जाम। Few moments later. तो गाइस दिमाग में ऐसे बवंडर मचा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो, सर दर्द हो रहा है भाई। सुबह से अभी लगभग 3 बजने वाले हैं और हेडेक हो रहा है। ऐसे चंपू की तरह मैंने तेल डाल रखे हैं ताकि हेडेक थोड़ा कम हो। और ये यूक्रेन और रसिया की लड़ाई तो खत्म ही होके नहीं दे रही। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा सिर्फ ये लड़ाई है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर बम फोड़ के जो जीत गया जीत गया, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। इन दोनों की लड़ाई में इंडिया का भी बहुत नुकसान है। काफ़ी चीज़ें महंगी होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जैसे तेल ही ले लो, तेल सारा इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा तेल इंपोर्ट किया जाता है और काफ़ी रेट्स बढ़ गए हैं पर बैरल पे। तो आने वाले दिनों में भाई तेल तो महंगा होगा ही होगा, डीजल पेट्रोल मतलब महंगे होंगे होंगे। साथ में अगर डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो खाने पीने की चीज़ें महंगी होंगी, सब्जियाँ महंगी होंगी, राशन महंगे होंगे, क्योंकि सारी चीजें आती तो उसी से है। रसिया तो रुकने वालों में से नहीं है, ऐसा देख के न्यूज ये सारी चीजें देख के महसूस हो रहा है। खत्म है सब भाई, सब खत्म होने वाला है। एक ये भी रीजन है, सुबह से पता नहीं कौन सी भक्ति चल रही है जो यहाँ तक आवाज आ रही है, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा, डिस्टर्बेंस इतनी हो रही है। लेकिन खैर कोई नहीं, करने दो भक्ति, जब ये शांत होंगे तब हम ब्लॉग करेंगे।
यहाँ से आवाज आ रही है वो, ये जो डंडा दिख रहा है यहाँ से। अभी जाके शांति मिली है, 7 बज गए, शाम हो गई है पूरा। मतलब फिर मैंने मंगाई एक चाय ताकि सर दर्द सही नहीं हुआ आज। भाई साहब ये भक्ति भी इजी नहीं है, कितना शोर होता है। चीयर्स। तो गाइस मस्त कड़क सी चाय पी के थोड़ा अच्छा अच्छा सा लग रहा है, और अभी लगभग 8 बजने वाले हैं। अभी अपन मस्त एडिटिंग मारेगा और सोएगा, गोली खा के सोएगा मस्त। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाल बटन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।